वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आरसीबी की टीम से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो बताने वाला हूं। तो अगर आप आरसीबी के फैन है तो इस वीडियो को जल्द से लाइक जरूर कर दिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। जैसा कि देखिए, आप लोग 19 दिसंबर को आईपीएल का मिनी ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर आप लोग को मार्च तक, मेरे हिसाब से मार्च तक आप लोग को आईपीएल स्टार्ट होता हुआ भी नजर आएगा। वहीं पर आरसीबी ने अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर दिया। ये मैं आप लोगों को बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ कि आरसीबी ने अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर दिया। इसमें आप लोग को बहुत सारे इंडिया के प्लेयर्स यानी कि दिनेश कार्तिक भी अब आप लोगों को इस कैंप में देखने को मिलेंगे, अनुज रावत भी देखने को मिलेंगे, मयंक अग्रवाल देखने को मिलेंगे, करण शर्मा ऑलरेडी वहाँ पे, मतलब देखा जाए बहुत सारे प्लेयर आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिन्हें आरसीबी ने रिटेन किया है। वहीं पर कुछ डोमेस्टिक प्लेयर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और फाफ डुप्लेसी भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी इंडियन प्लेयर जो भी आरसीबी ने रिटेन किए हैं वो तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे। विराट कोहली और मोहम्मद सिराज अभी आप लोगों को इसलिए देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका की टूर चल रही है, वहाँ पर टेस्ट मैचेज खेल रहे हैं। मोहम्मद सिराज शायद ओडीआई का हिस्सा भी है, तो मेरे हिसाब से वहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए अभी दिखाए तो वो ट्रेनिंग कैंप नहीं लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी डोमेस्टिक प्लेयर हैं जैसे कि दिनेश कार्तिक आ गए, दिनेश कार्तिक के साथ साथ वहाँ पे आप लोगों को अनुज रावत देखने को मिलेंगे, करण शर्मा देखने को मिलेंगे, मयंक डागर जो ट्रेड किए थे एसआरएस टीम से आरसीबी ने, तो मेरे हिसाब से वो भी देखने को मिल रहे हैं। और इनकी बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस चल रही है, तो मेरे हिसाब से अभी दिखाया है तो मयंक डागर बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उनसे बैटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, अनुज रावत कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और करण शर्मा भी अपनी स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ये एक दूसरे को अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही है दिखाया है। वहाँ पर आप लोगों को एंड्री फ्लावर देखने को मिलेंगे जो कि आरसीबी की हेड कोच है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी दिखाया। आईपीएल की तैयारी करना स्टार्ट कर दी आरसीबी टीम ने क्योंकि उनका मकसद है कि आईपीएल की ट्रॉफी जीतना। इस बार मेरे हिसाब से टॉप फोर से काम नहीं चलेगा, तो आरसीबी इस बार पूरी तरीके से तैयार हो रही है कि उन्हें आईपीएल की ट्रॉफी जीतनी है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो बता देगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो।